सिस्टम हैंग हो जाता। अगर ऑलरेडी हैंग है सिस्टम, सिस्टम कुछ होता नहीं है, सिस्टम होता ना तो हैंग नहीं होता हो जाता। है गाइस, कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज हम बात करने वाले फरती सिंह और हर्ष के बारे में। तो फरती सिंह और हर्ष का एक पॉडकास्ट चैनल है जिस चैनल का नाम है फरती टीवी, और ये चैनल हैक हो चुका है। तो इसके बारे में दोनों ने खुद अपडेट दिया है, क्या काम सोता सकलिप देखते हैं। यार हमारा चैनल हैक हो गया, भारतीय टीवी किसी ने हैक कर लिया गाइस, और उसका नाम वाम भी चेंज कर दिया है। यूट्यूब इंडिया प्लीज हेल्प करिए इसको रिकवर करवाने में, और प्लीज देखिए क्या कर सकते हैं। और जिसके पास कोई जो भी कांटेक्ट है प्लीज हमें डीएम करिए और हमें बताइए हम इस चैनल को कैसे रिकवर कर सकते हैं। यस यार हमारा ऐसे कैसे चैनल हैक कर लिया अभी, कल का पॉडकास्ट है गाइस, सब कुछ रेडी है और आज चैनल हैक हो गया। तो गाइस अब हम बात करने वाले अदनान 07 वर्सेस एल्बी शरफ के बारे में। तो अदनान 07 जब से बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 पर गए हैं तब से एल्बी शरफ ढेर सारा वीडियो बनाए हैं अदनान के ऊपर, रोस्ट करके, पोक करके, ट्रोल करके, और इसी के ऊपर अदनान 07 के दोस्त फैज, हसनैन और सद्दू ने इसके ऊपर रिप्लाई दिया है। तो क्या कहा हम सदा सकले देखते हैं। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अरे बोल सकता है ना। तो अभी इसका एक व्लॉग हम लोग देखे, उसमें वो बोल रहा है कि अदनान और मैं साथ में होता तो कुछ होता, क्या होता, क्या बोला उसने? अभी अदनान अंदर गया है। हाँ। तो ये टाइम पे मुझे भी अंदर होना चाहिए था, ये एल्विश बोला है। अच्छा ऐसा, तो अदनान बाहर आ जाता, बहुत मजा आती है बोल रहा है। तो बहुत मजा आती है उसको, बट मजा तो आती है। देखो नहीं मालूम कि वो बाहर क्यों आता, मैं बताता हूँ। वो बाहर इसलिए आता क्योंकि वो तेरे को चेक कर देता ब्रो। चेक करने के बाद तो बाहर आना ही पड़ता है। हाँ, इसके लिए वो बाहर आता, समझा? फिर उसके बाद क्या होता, सिस्टम हैंग हो जाता। अगर ऑलरेडी हैंग है सिस्टम, सिस्टम कुछ होता नहीं है, सिस्टम होता ना तो हैंग नहीं होता हो जाता। बराबर बात है। तो कोई बात नहीं, भाई नहीं है तो भाई के मैनेजर गए ना। तो मैनेजर को देख लेंगे। अरे कुछ नहीं कर पा रहा भाई, वो देख साई के तना जिसके ऊपर क्या हुआ, हाथ तो छोड़ा ना चुपचाप ऐसा, वहाँ पे चुपचाप ऐसा जोकर बन के चेहरा है। थोड़ा डर तो नहीं के बॉडी बॉडी से? फिर अभी मेरा तो फेवरेट है पर अदनान, मैं ना पिस जाऊं। साई के तना बहुत भारी पड़ गया उसके ऊपर। हाँ मैं देखा, थोड़ा सा साई के तना नॉर्मल था, साई के तना भारी पड़ गया। सीन क्या बताया, कटारिया होकर देख लेंगे क्या बोल रहा था, समझ में नहीं आ रहा। उसकी आवाज ही नहीं निकल पाई ना। आवाज नहीं निकल पाई, दो तीन लोग सामने खड़े चुपचाप ऐसा हाथ पकड़ के खड़ा है, मतलब दीवार बन गई है ना उसके सामने। जिसको मारना होता है ना वो दीवार वाल तोड़ के जाते हैं मारने, समझा? साई केतन बाकी ठसा दिया अपना दान, तो कुछ किया तो नहीं अभी तक, कुछ किया नहीं वो। क्या बोल रहा था, समझ में नहीं आ रहा। उसकी आवाज ही नहीं निकल पाई ना। आवाज नहीं निकल पाई, दो तीन लोग सामने खड़े चुपचाप ऐसा हाथ पकड़ के खड़ा है, मतलब दीवार बन गई है ना उसके सामने। जिसको मारना होता है ना वो दीवार वाल तोड़ के जाते हैं मारने, समझा? साई केतन बाकी ठसा दिया अपना दान, तो कुछ किया नहीं अभी तक, कुछ किया नहीं वो।